देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सांसद और रामपुर से बीजेपी लोकसभा की उम्मीदवार जया परदा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करके रामपुर के सपा के सांसद आजम खान का चुनाव रद्द करने की मांग की है। आइए देखते हैं सौरभ पंडित के साथ यह रिपोर्ट। पूर्व सांसद और रामपुर से बीजेपी लोकसभा के उम्मीदवार जया परदा ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करके रामपुर के सपा के सांसद आजम खान का चुनाव रद्द करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के आजीवन कुलपति हैं, लिहाजा ऐसे व्यक्ति लोकसभा में भी आसीन है जो दोहरा लाभ का पद है, इसलिए कोर्ट से उनका चुनाव रद्द करने की मांग की। इसके अलावा याचिका में आजम खान द्वारा जया परदा के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने और चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का भी सबूत पेश किया। आराम से दूर रहेगा, आप भी आ जाइए। चले केआर सिंह साहब दूर आराम से चाहिए ना। अमर सिंह जी सर, आज जो है आपने याचिका दाखिल की, ऐसे व्यक्ति के लिए जो माँ जीव होकर के भी पशुवत व्यवहार करता है, जो अपनी माँ बहनों के लिए उनके अंतर वस्त्रों के लिए, उसके घर में भी माँ बहने हैं, जो महिलाओं को खुलेआम वेश्या कहता है, और दूसरी बात यह कि ये नृत्यांगनाओं को एसटी हसन ने भी इसी तरह की, उसके लोगों ने इस तरह की बात की है। नट और नटी नटराज के भक्त हैं और नटराज शिव को कहते हैं। पंडित गोपी कृष्ण, सितारा देवी और बिरजू महाराज ये भी नृत्य करते हैं, और ये भी उसी बनारस के हैं जहाँ पर नटराज का घर है, जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद हैं। रुक्मिणी देवी अरुंधले को मोरारजी देसाई देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। तो ये सब लोग क्या वही हैं जो आजम खान जी के बारे में इस तरह के उद्गार व्यक्त करते हैं? ऐसे घृणित व्यक्ति को निश्चित रूप से हर दृष्टि से समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि खड़ा होकर उसकी गंदी जबान को कानून की तलवार से काट के फेंक दे। अच्छा, ये कब याचिका आएगी और किसके कोर्ट में? मैं रजिस्ट्रार नहीं हूँ, जो मैं बता दूँ ना, तो मैं ज्योतिषी हूँ ना कोई बाबा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि कब आएगी, क्या तारीख होगी, कौन से न्यायमूर्ति कर दिया है, एक्सेप्ट हो गई है। ये भी मैं अभी हमने जो आवश्यक कार्रवाई कर दी है, प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा, इसी टाइप की याचिका आपने लखनऊ बेंच में की थी? हाँ, मैं आपका प्रश्न ठीक है, लखनऊ बेंच में मैंने इसलिए की थी कि लाभ के पद का एक मामला आज भी वहाँ लंबित है। अगर मैं यहाँ आता तो आजम के गुर्गे यह कहते कि यह ऐसा ही एक मामला लखनऊ चल रहा, आप इलाहाबाद क्यों आ गए? तो इलाहाबाद में चूँकि यह मामला चल रहा था, जो प्रश्न आपने पूछा वो न्यायमूर्ति ने भी पूछा कि आप यहाँ आए किस लिए। मैंने कहा आपने बुलाया इसलिए क्योंकि आप ये मामला सुन रहे हैं रजा हुसैन का और बनाम आजम खान, लाभ के पद का ही मामला है, इसलिए उस कंटिन्यूटी में मैं आया हूँ। आप बता दीजिए कहाँ जाएं। तो चुनाव आयोग भी आया, उसने कहा कि नहीं, आपके लिए ये रास्ता खुला है, उस रास्ते पर भी हम चलेंगे। और उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन का मामला है, तो हमने तो कहा कि इसके पहले जस्टिस डीपी सिंह ने 3 दिन तक यह मामला इसी अदालत में सुना, और उन्होंने अपने उद्बोधन में जो कुछ कहा था उसे हमने अपनी, मैंने स्वयं बहस की थी, उसे कोट भी किया।